जो है हम क्विक रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है हमने खरीदा है इंडोज ब्रांड का वॉल कम टेबल फैन। तो इसका जो डायमीटर है वो 9 इंच के आसपास है। अगर आपको मैं डायमीटर दिखाऊं तो ये देखिए, आप इसका डायगनली चेक करते हैं और आपको ये दिख रहा होगा कि 9 इंच जो है इसके ब्लेड्स हैं। और स्वीप एरिया जो है, जैसे आप इसके बॉक्स में भी देख रहे हैं, वो है 225 mm। तो चलिए, इस फैन की सबसे पहले आपको हम टेक्निकल डिटेल दिखा दे। तो फ्रेंड, इसमें जो है 3 स्पीड कंट्रोलर है, 3 स्पीड मोटर है। नॉन ऑसिलेटिंग मतलब ये मूव नहीं करेगा, स्विंग नहीं करेगा, एक जगह जो है ये फिक्स है। ये सुटेबल है, आप इसको शॉप्स काउंटर में लगा सकते हैं, शोरूम में लगा सकते हैं, बाथरूम और किचन। मैंने जो है ऐसे फ़ैन जो है अपने बाथरूम में भी लगा रखे हैं, किचन में भी लगा रखे हैं, और अब जो है मैं ये अपना जो जहाँ पर मैं स्कूटी वगैरह रखता हूँ वहाँ पर मैं लगाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसका जो डायमीटर है ब्लेड्स का वो 9 इंच है। ये आपको जो है 5 कलर में मिल जाएगा। आप ये देखिए, वाइट, ओवरी, ग्रे, चेरी और ब्लैक। तो मेरे पास जो मैंने मॉडल ख़रीदा है वो ब्लैक कलर में है। और ये इसके कुछ टेक्निकल डिटेल आप कह सकते हैं। ये आउटपुट जो है 18 वाट बता रहा है, पर एक्चुअल में ये फ़ैन जो है बिजली जो है मिनिमम स्पीड पे 60 वाट लेता है। जब अब इसको नंबर 3 पे चलाते हैं तब जो है ये 80 वाट के आसपास बिजली कंज्यूम करता है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है रोटेशन स्पीड। तो रोटेशन स्पीड जो है 2100 से लेकर 2350 बताई गई है। डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड पे आप सेट करते हो। अगर आप इसको नंबर 1 पे स्पीड सेट करोगे तो नंबर 1 पे जो है ये 2100 RPM होगी, और नंबर 3 पर जो है इसकी रोटेशन स्पीड जो है 2300 या 2400 तक जा सकती है। तो चलिए इसके फंक्शन को समझते हैं। तो ये देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। आप ये देखिए, ये इसके कंट्रोलर है। 0 पर ये ऑफ हो जाएगा, नंबर 1 पे स्लो स्पीड, नंबर 2 पे जो है मीडियम, और नंबर 3 पे हायर स्पीड। अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो ये देखिए, इसको आप 360 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन एक जगह फिक्स हो जाएगी, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए जो है मुझे ये थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा, पर अगर आप इसको चाहो तो इधर उधर मोड़ सकते हैं। देखिए, आसानी से ये इधर उधर मुड़ रहा है। तो ऊपर नीचे करने के लिए जो है ये थोड़ा सा आपको दोनों तरफ से शायद ढीला करना पड़ेगा, तो अभी वो हम पॉसिबल आपको दिखा नहीं सकते। तो चलिए, इसको आप जो है वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। जैसे दीवार पे आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, और आप चाहो तो टेबल पे, तो जैसे मैंने आपके सामने रखा ही हुआ है। और इसमें आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो है इसमें वॉल माउंटिंग के लिए जो है ये पत्ती भी दी गई है। नहीं तो आप चाहो तो इस पत्ती को हटा के डायरेक्ट दीवार में 2 छेद करके इसको टांग सकते हैं। तो पत्ती से हैंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको हटाना निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसके हम सारे पैरामीटर का आपको अब डेमो देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मॉडल जो है अभी अमेज़ोन पर नहीं मिल रहा है। इससे मिलता जुलता ब्रांड जो है, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में जो है हॉटलाइन प्रो का भी रिव्यू किया था, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल सेम डिटो फंक्शन है, दिखने भी वैसा ही है, वो आपको मिल रहा है। प्राइस जो रखा है MRP वो 1250 रुपये के आसपास है। तो जैसे जो शायद मैं आपको दिखाना रह गया था, ये देखिए 1250 रुपये MRP है, पर आपको ये लोकल मार्केट में 800 से लेकर 900 रुपये के बीच पड़ जाएगा। तो चलिए, इसको हम चलाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है पावर कंजम्पशन हम चेक करें। तो ये अभी नंबर 1 पर सेट हो रहा है। तो नंबर 1 पे जो है ये पावर जो है 58 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसका नंबर 2 पे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऑफ करके इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। तो नंबर 2 पर जो है, जैसे मैं इसको ऑन करूँ, सिक्सटी फाइव वाट जो है ये बिजली कंज्यूम कर रहा है। और नंबर 3 जो है, आप इसका शोर भी महसूस कर रहे होंगे, थोड़ा सा शोर बढ़ जाता है नंबर 3 का। तो 84 वाट बिजली कंज्यूम करता है। तो
काफ़ी हाई पावर कंज्यूमिंग कह सकते हैं। तो चलिए अब जो है इसके बाकी पैरामीटर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले जो है हमने कई सारे डिवाइस रखे हुए हैं, जैसे ये है एयर फ्लो मीटर, ये हमारा जो है साउंड लेवल मीटर है, और ये टैकोमीटर है, डिजिटल टैकोमीटर जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन पे, स्लो स्पीड पे। तो सबसे पहले आप इसका साउंड लेवल चेक कर लीजिए। आजकल सभी लोग जो कि खासतौर पर बच्चे जो पढ़ते हैं मेडिटेशन या मतलब नॉइजी फैन आजकल किसी को पसंद नहीं आता, चाहे नॉइजी कूलर हो या नॉइजी एसी हो, कोई भी नॉइजी चीज़ आजकल लोगों को पसंद नहीं है। तो ये देखिए, ये हाफ फीट की दूरी पर मैंने रखा है और इसकी रीडिंग जो है 70 dBi आई है। तो अब जो है हम चेक करते हैं इसका एयर फ्लो। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जीरो के आसपास है, और अब जो है आप इसकी रीडिंग पे ध्यान दीजिए, हाफ फीट की दूरी पर है। मैं आपको डिस्टेंस भी बताना चाहता हूँ। तो ये जो आ रही है 4.5 या 5 कह सकते हैं मीटर, यानी 6.5 भी आ रही है। सेंटर में इसका एयर फ्लो ज़्यादा है, 6 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 6 के आसपास है हाफ फीट की दूरी पर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इसकी रीडिंग कम होती जाएगी, 4 के आसपास आ रहा है अगर हम 1 फीट से दूर ले जाएं। आप जो है अगर हम चेक करें इसका एयर फ्लो पेपर के द्वारा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इससे आपको थोड़ा ज़्यादा विजुअल दिखेगा कि एयर फ्लो कैसा है। यहाँ पर इसका एयर फ्लो सबसे ज़्यादा है, और अगर मैं इसके आगे टिश्यू पेपर रखूं, आप ये देखिए नंबर वन स्पीड पर है। तो नंबर वन पे एयर फ्लो भी ठीक ठाक है और नॉइजी कम है। तो आप ये देखिए, तो नंबर वन पे जो है आप इसका एयर फ्लो महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, नंबर देते हैं, तो 3 स्पीड लगी है। तो ये हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। अगर हम इसका एयर फ्लो सॉरी नॉइस लेवल चेक करें नंबर टू का, तो 74 dBi एवरेज आ रहा है हाफ फीट की दूरी पर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो साउंड लेवल जो है कम होता जाएगा। अगर हम एयर फ्लो चेक करें हाफ फीट की दूरी पर, तो सेंटर में इसका एयर फ्लो ज़्यादा है। तो ये देखिए 7.5 एवरेज आप कह सकते हैं हाफ फीट की दूरी पर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एयर फ्लो थोड़ा सा कम होता जाएगा। अगर आपको हम पेपर वेट से चेक करके दिखाएं, जो हमने पेपर्स काटे हुए हैं, आप ये देखिए इसे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पर इसका एयर फ्लो ज़्यादा है नीचे की तरफ, थोड़ा सा हमने टिल्ट कर रखा है, टिल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एयर फ्लो ज़्यादा दिख रहा है। और अगर हम इसके आगे टिश्यू पेपर रखें तो इससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है ऑनलाइन फ़ैन ख़रीदते हैं, तो हर एक पैरामीटर जो है आपको क्लियर दिखना चाहिए, जितना आपको शॉप में भी पता ना चले वो चीज़ जो है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए इसका एयर फ्लो मीडियम स्पीड पर नंबर टू पर, और अब जो है हम नंबर 3 स्पीड कर देते हैं। तो नंबर 3 स्पीड में थोड़ा सा टाइम लगता है स्पीड बढ़ने में, और आप जो है इसको आप चेक कीजिए साउंड लेवल हाफ फीट की दूरी पर, तो 77 एवरेज आ रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी नॉइज़ लेवल कम होता जाएगा। और अगर हम चेक करें एयर फ्लो, आप ये देखिए यहाँ पर एयर फ्लो 0 के आसपास है, और इधर जो है हम हाफ फीट की दूरी पर, आप ये देखिए तो 7.3 या 7.6 आप कह सकते हैं ये इसकी रीडिंग आ रही है। बीच में एयर फ्लो ज़्यादा है, नीचे देखिए 7.4 आप कह सकते हैं, 7.6
जो है एवरेज आप कह सकते हैं, अगर 1 फीट की दूरी पर आप देखोगे तो ये रीडिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एयर फ्लो जो है दूर थोड़ा सा कम आता है, मतलब इसके आसपास का जो है हम 1/2 फीट की दूरी पर आपको एयर फ्लो चेक करके दिखाते हैं। और अब जो है अगर आपको हम पेपर टेस्ट करके दिखाएं तो आप ये देखिए मैक्सिमम स्पीड पर है, तो 1/2 स्पीड पर आप इसकी 1/2 इंच की दूरी पर जो है आप इसका एयर फ्लो चेक कर रहे हैं। और अगर अब मैं इसके आगे टिश्यू पेपर रखूं, आप ये देखिए तो ये था इसका डेमो। और अब जो है हम इसका चेक करते हैं कि भैया जो RPM कंपनी दावा करती है वो क्या है। तो ये देखिए ये हमारे पास डिजिटल टैकोमीटर है, इसके 3 ब्लेड्स हैं, तो हम जो है रीडिंग को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये देखिए रीडिंग पर ध्यान दीजिए, जो ये लाइट पड़ रही है बिल्कुल डायरेक्ट पड़नी चाहिए, 8000 या आप इसे कह सकते हैं मैक्सिमम जो है 8000 आ रही है। तो 8000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2400 या 2500 RPM आ जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे वोल्टेज कभी हाई आती है कभी लो आएगी, तो उसी हिसाब से इसकी स्पीड और नॉइज लेवल्स कम या ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे ये पंखा चलता जाता है तो मैंने देखा है कि साउंड कम हो जाता है और उसी हिसाब से एयर फ्लो भी कम हो जाता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये फ़ैन जो है मोस्टली किचन में तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, किचन के लिए इतना ये सूट नहीं करेगा क्योंकि इसका एयर फ्लो ज़्यादा है। बाथरूम में आप यूज़ कर सकते हैं अगर बाथरूम आपका बड़ा हो तो। इंडोर्स ब्रांड में जो है आपको जो है 50 या 100 रुपये सस्ता जो है 200 mm का भी फ़ैन मिल जाएगा, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 225 mm या 9 इंच का फ़ैन लीजिए। और आजकल जैसे सभी जानते हैं कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, तो मैंने तो हर जितने भी मेरे छोटे छोटे रूम हैं या बाथरूम है, हर बाथरूम में मैंने कैबिन फ़ैन लगा रखा है। और अब जो है मैं जहाँ पर स्कूटी पार्क करता हूँ वहाँ पर भी मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और इतनी ज़्यादा पसीना आता है कि उसमें ही हमारी काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो वीडियो के नीचे जो है मैं आपको हर ब्रांड की हर कंपनी का लिंक डाल दूँगा। अभी जो है हॉटलाइन प्रो का ही मिल रहा है, तो इससे मिलते जुलते आपको फ़ैन मिलेंगे। इंडोर्स ब्रांड के जो फ़ैन है वो ज़्यादा ऑनलाइन नहीं मिलते, तो आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।